28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें पीएम मोदी कुर्सी पर बैठे एक बुजुर्ग को झुककर प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी इतना मान सम्मान दे रहे हैं, आखिर वो बुजुर्ग कौन है। दरअसल 97 साल के इस बुजुर्ग का नाम वुमिदी अथिराजुलु है। वुमिदी बंगारू चिट्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। इनके परिवार ने ही संसद में स्थापित किए गए सेंगोल को 75 साल पहले बनाया था। नए संसद भवन के ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल की स्थापना के मौके पर वुमिदी अथिराजुलु भी मौजूद थे। वहीं जब वुमिदी से इस क्षण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे बेहद गर्व का क्षण बताया। Whatever you do not expect and it comes on the way, you'll be very happy. In that pattern, I am really happy to take part in the celebrations. बता दें वुमिदी अथिराजुलु तब 20 साल के थे जब उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर सिंगोल बनाया था। उधर वुमिदी बंगारू ज्वेलर्स के चेयरमैन वुमिदी सुधाकर ने कहा, ये एक ऐतिहासिक क्षण था जब पीएम मोदी ने नए संसद भवन में सिंगोल स्थापित किया। 75 साल पहले उनके परिवार ने सिंगोल बनाया था। बता दें सिंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित कर दिया है। इससे पहले संतों ने विधि विधान, पूजा हवन और मंत्रोच्चार के साथ पवित्र सिंगोल को पीएम मोदी को सौंपा। फिर पीएम ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला के साथ नए संसद भवन में बने लोकसभा चैम्बर में जाकर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास पवित्र सिंगोल को स्थापित किया। ये भारत की आजादी के साल 1947 में तमिलनाडु से लाया गया। ये वही सिंगोल है जिसे 14 अगस्त 1947 को रात के 10:45 बजे के लगभग अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर देश के तत्कालीन और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। 28 मई को संसद भवन में सिंगोल की स्थापना पूरे विधि विधान से हुई। पीएम मोदी के संसद भवन पहुँचने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी अगवानी की। इसके बाद पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने संसद भवन परिसर स्थित गांधी प्रतिमा पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर प्रणाम किया। फिर पीएम ने पूजा हवन भी की। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।